नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन क्षेत्र में हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, आंखों के सामने मकान टूटते देख बिलख पड़ी महिलाएं। कांग्रेस शोभा सिंह की मूर्ति तोड़ने की कोशिश का आरोप, नगर परिषद का घेराव करेंगे कांग्रेस। गंदे पानी की आपूर्ति पर पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई। जन प्रतिनिधियों से बड़ा काउंसलर कोई नहीं, कलेक्टर ने की जिला प्रमुख की प्रशंसा। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद का कब्जा हटाओ अभियान आज विवादों में आ गया। कोर्ट के निर्देश पर नगर परिषद शहर को कब्जा मुक्त करने की फिराक में है, लेकिन जब जेसीबी का पहिया लाल चौक पर पहुंचा और मजदूरों के मसीहा कामरेड शोपत सिंह की आदमकद की प्रतिमा के पास तोड़फोड़ की तो कामरेड भड़क गए। इन खबरों के साथ ही हम आपको बताएंगे गंदे पानी के मसले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ऐतिहासिक कार्रवाई के बारे में। इतना ही नहीं, कलेक्टर पीसी किशन और जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी के बीच भले खटपट की खबरें आ रही हो, लेकिन कलेक्टर ने गुरुवार को सरकारी मीटिंग में जनप्रतिनिधियों की जमकर तारीफ की, खासकर पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों की। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कब्जा हटाओ अभियान से। दरअसल न्यायपालिका के हस्तक्षेप से शहर में सैकड़ों कब्जे ध्वस्त हो गए। नगर परिषद ने कब्जे तोड़ने की कार्रवाई के लिए शुक्रवार को टाउन के वीएम गर्ल्स कॉलेज और प्रेमनगर कॉलोनी क्षेत्र को चुना, जहां पुलिस जाप्ते के बीच वर्षों पुराने कब्जे हटाए गए। निर्धारित अवधि खत्म होने के साथ ही नगर परिषद का अमला शुक्रवार सुबह हनुमानगढ़ टाउन में व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज के पास पहुंचा। दर्जनों पालिका कर्मी के साथ समुचित पुलिस जाप्ता, देखते ही देखते वहां पर भीड़ जमा हो गई। आयुक्त श्रवण बिश्नोई व सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी आदि मौजूद थे। देखते ही देखते कब्जे टूटने लगे। जेसीबी ने जैसे खूब कहर बरपाया। गौरी शंकर मेडिकोज का भवन भी टूटकर जमींदोज हो गया। देखते ही देखते समूचा क्षेत्र मलबों में तब्दील नजर आया। होटल और दुकानों को खाली करने के अगले पल जेसीबी उस पर जैसे टूट पड़ती। सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी ने जरूर लोगों को सामान ले जाने की छूट दी। मकानों को अपनी आंखों के सामने टूटते देख महिलाओं की सहन शक्ति जवाब देने लगी। वे जोर जोर से विलाप करने लगी। आखिर जिंदगी भर की कमाई आंखों के सामने जमींदोज होते देख उसे सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। महिलाओं ने आयुक्त श्रवण बिश्नोई से कुछ पूछना चाहा, लेकिन बिश्नोई पीछा छुड़ाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और इस तरह सुनाई अपनी व्यथा। अबे पूछन जोगा ही कोनी की तरह घर टूट गया। क्यों है?
नगर परिषद की सेलिब्रिटी कैसे लगा दिया साहब चल गया महिलाओं की व्यथा सुनकर कमिश्नर सबन बिश्नोई भी पसीजे। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाओं को दूसरी जगह मकान दिलवाने का भरोसा दिलाया। अमना बानो नामक महिला का कहना था कि उसके पति अलीशेर को सांस की बीमारी है। 35 साल से प्रेमनगर में रहती है अमना बानो। बेटियां बड़ी हो रही हैं, उसकी शादी करनी है, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा झटका, जैसे जिंदगी 20 साल पीछे चली गई। पर मेरे को पहला मन 50 साल हो गया, मेरा ससुराल के यहाँ तक गुजर गया। अभी 3 भाई है, 2 भाई बाहर रहते, उनकी जगह में मेरे को कोई वो नहीं है। और मेरी जगह में ना मेरी मेहनत से मजदूरी से बढ़ाई मेरा फूट गया, मेरे को कोई वसीला नहीं है। मैं किराए में बैठे में मेरा फूट के बैठ गई। 2 लड़कियाँ मेरी शादी करने वाली जवान बच्चे हैं, सरकार की तरफ से कोई मेरे को अभी कोई सुविधा नहीं, कोई योजना नहीं मिली मेरे को। बीपीएल कार्ड है मेरे साहब, मेरे को कड़क मिलती है जरूर, और मेरे को कुछ भी नहीं मिला, आज तक भी कुछ भी नहीं मिला। आज मैंने उनको कहा, उन्होंने बोला है कि हम आपके लिए करेंगे सहायता, कोई मकान को दिलाएंगे, 11 बजे बुलाएंगे। हाँ जी, मकान को कह दियो भी दे देगा, इस बार फोड़ के जा रहे जगह मकान कहा, मकान मिल जाओ था ना, कल दोपहर में बुलाया, 10 बजे बुलाया, हाँ ऑफिस में बुलाया, ऑफिस का मायने पूरा पूरा मकान दे देगा इना ना। हाँ पूरा पूरा मकान टूट गया ना को। आप लोगों को बीपीएल कार्ड बने हुए हैं? बीपीएल कार्ड बनेड़ा। तो पहले क्या कोई योजना का लाभ मिला आपको? बीपीएल ना क्यों कौन मिला, कुछ भी नहीं मिला, कणक कणक मिलती और क्यों कौन मिलवाना। दूसरी तरफ शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जैसे विवादों में आ गया। कोर्ट के आदेश पर कब्जे तोड़ने में जुटी नगर परिषद की टीम शुक्रवार को अचानक माकपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गई। लाल चौक के पास दिवंगत सांसद कामरेड शौपत सिंह की आदमकद प्रतिमा के पास हुई कार्रवाई से कामरेड व्यथित हो गए और उन्होंने शनिवार को नगर परिषद कार्यालय को घेरने की चेतावनी दी। यह है लाल चौक, पास में है मजदूरों और किसानों के मसीहा कामरेड शौपत सिंह की आदमकद प्रतिमा। नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार को प्रतिमा के आसपास कब्जे हटाए। कार्रवाई से व्यथित माकपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय जाकर विरोध प्रकट किया। नारेबाजी सुनकर SDM होशियार सिंह मौके पर पहुंचे और उन्हें वार्ता का निमंत्रण दिया। कुछ देर बाद ADM BL मेहड़ा के कक्ष में वार्ता शुरू हुई। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, सुरेंद्र शर्मा, नसीब खान और मलकीत सिंह आदि ने कहा कि शहर के सारे चौक सड़क के बीच स्थित हैं, लेकिन कामरेड शौपत सिंह की प्रतिमा सड़क से काफी दूर पर स्थित है, फिर भी कमिश्नर ने उसे तोड़ने का प्रयास किया, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी वक्त हुआ है, आप भी नहीं बोले हमने रात में 5-7 दिन लगे, सारे वही लोग वही था सारा। अगर अम्बेडकर चौक, वाल्मीकि चौक, तिलक सर्किल, भगत सिंह करता हूँ आपको,
नहीं आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के महान नेता और इस इलाके के जनप्रिय नेता कॉमरेड सोपर सिंह मक्का सर की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, जबकि पूरे शहर के अंदर वो चाहे भगत सिंह सर्किल चौक हो, चाहे तिलक सर्किल हो, अंबेडकर चौक हो, वाल्मीकि चौक हो, अग्रसेन चौक हो, सारे के सारे ये जो स्मारक बने हुए हैं वो सड़क के ऊपर हैं, तो किसी को भी नहीं हिलाया गया है। सिर्फ सोपर सिंह की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया था, वहाँ मौके पर लोग पहुँच गए और पहुँचने के बाद में वो वहाँ से भाग गए हैं। आज हमने जिला कलेक्टर कार्यालय प्रदर्शन किया है कि ये रंजिशवश ये काम किया गया है। अब आयुक्त और उसकी नगर परिषद का घेराव कल सवेरे 10 बजे कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता और सिटू कार्यकर्ता करेगा, कहीं पीछे नहीं रहेगा। कल कोई काम मजदूर नहीं करेगा, पूरे जिले का मजदूर कल काम बंद रखकर नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन करेगा। और अब पानी को लेकर बड़ी खबर। अगर आप किसी अच्छे कार्यों के लिए पहल करते हैं तो उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी, भले ही धीरे धीरे। इसी क्रम में पंजाब से राजस्थान की नहरों में गंदे पानी के आवक का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जनप्रतिनिधियों के प्रयास रंग लाने लगे हैं, लिहाजा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सबको चाहिए साफ और पूरी तरह पवित्र पानी जो सेहत के लिए उपयुक्त हो, लेकिन पंजाब की नहरों से प्रवाहित जो पानी हमारे पास आ रहा है वह बेहद गंदा और रासायनिक है, जिससे हमारी सेहत खराब हो रही है और लोग काल के ग्रास बन रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में कैंसर जैसे रोगों के लिए भी गंदे पानी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे में पंचायती राज के कुछ जनप्रतिनिधियों ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है जिले के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा और पंचायत समिति के निवर्तमान उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद ने सवेरा नामक संस्था बनाकर इसके बैनर तले जल जन जागृति अभियान चलाने का निर्णय किया है। राजस्थान की नहरों में गंदे पानी की आपूर्ति से व्यथित शोभा डूडी, शबनम गोदारा और राजेंद्र प्रसाद ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में एक जनहित याचिका दायर की। पर्यावरण संरक्षण के लिए गठित ग्रीन ट्रिब्यूनल में पंजाब की नदियों में प्रदूषित पानी का प्रवाह रोकने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ यह जनहित याचिका दायर की गई। संतोष की बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपना केस दर्ज कराया था उसका आज सुनवाई हो गई और नोटिस दे दिया पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को। उसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पंजाब के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, उद्योग और स्वास्थ्य मंत्रालय को नोटिस दिया है और अगली 21 जुलाई को जनसुनवाई है हमारी। जिला कलेक्टर पीसी किशन और जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी के बीच भले मतभेदों की खबर आ रही हो, लेकिन कलेक्टर ने शुक्रवार को एक सरकारी मीटिंग में जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख बेहतर काउंसलर साबित हो सकती हैं। जिला प्रशासन और जिला परिषद के बीच टकराव की खबरों के बीच कलेक्टर पीसी किशन ने शुक्रवार को पैंतरा बदल लिया। उन्होंने एक सरकारी मीटिंग में जनप्रतिनिधियों की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जनप्रतिनिधियों से बड़ा काउंसलर कोई नहीं हो सकता। पंच, सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक बेहतरीन काउंसलिंग करने की योग्यता रखते हैं। जिला स्तरीय महिला सहायता समिति की मीटिंग में कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि ग्रास रूट पर समझाने की जरूरत है, इसमें पंचायती राज के जनप्रतिनिधि सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। जो चीज है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका ग्रास रूट रीच बहुत ज्यादा है। जैसे अभी भी सरकार का कुछ भी पार्ट जो पूरा नीचे तक पहुंचता है तो यह हमारा पंचायती राज है, जहां पूरा नीचे तक हमारा सरपंच है, वार्ड पंच है, हमारा प्रधान है और उनका थ्रू से जो आईसी हम जो कर सकते हैं, जो मैसेज हम दे सकते हैं पूरा नीचे तक जा सकता है। कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि गांव में नारी उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, सामाजिक तौर पर समझने की जरूरत है, इसमें सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक बेहतर भूमिका निभाने की स्थिति में हैं। जो उत्पीड़न वाला जो मामला है उसका कानूनी समाधान मुझे तो नजर नहीं आता है। मतलब आपका ये जो समिति बहुत मॉनिटर करने का तो इम्प्रूव हो जाएगा, कुछ होगा,
वो मुझे अभी का स्थिति में मतलब खूब ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा जो बोलने का था, इसका अभी का जो सोसाइटी का कॉन्टेक्स्ट हम इसका लिए क्या मतलब सॉल्यूशंस निकाले कि रियल सेंस में फ्रीडम कम हो, रियल सेंस में हमको मतलब बहुत सारे जगह में जैसे अभी हम इसी समिति का काउंसिलर रखे हैं, उनको तनख्वाह भी दे रहा है, वो सब बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरपंच से बेटर काउंसिलर कौन हो सकता है? सरपंच का बीबी से बेटर काउंसिलर कौन हो सकता है? एक वार्डपंच अच्छा जिसका मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा करने का मतलब इच्छा हो, उससे बेटर काउंसिलर कौन हो सकता है? जिला प्रमुख जी का से बेटर काउंसिलर कौन हो सकता है? तो ए वाला जो काउंसिलिंग जो सोसाइटी का मतलब उनका रिलेटिव से बेटर काउंसिलिंग कौन हो सकता है, काउंसिलर कौन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये सोसाइटी का जो रेजिलियंस है, इसका जो मतलब जिसको पहले जमाने में सोशल कैपिटल बोलते थे, कम्युनिटी कैपिटल बोलते। एसपी शरद कविराज ने दहेज प्रताड़ना के मामलों में कानूनी पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है और हमें सामाजिक रूप से गंभीर होने की जरूरत है। दहेज प्रताड़ना के अलावा भी उसमें ऐसी अगर उसको मानसिक यातनाएं दी गई जिससे कि वो अपने शरीर की क्षति करती है, तो वो भी 498A में कवर है। यानी दहेज के अलावा भी अगर मानसिक प्रताड़ना मिलती है 498A में कवर है, लेकिन उससे महिला को कुछ नहीं मिलता। अगर पति गिरफ्तार भी हो जाता है, पति के रिश्तेदार गिरफ्तार भी हो जाते हैं, तो भी महिला को कुछ नहीं मिलता। कोर्टों में चक्कर लगाने पड़ते हैं और लंबी एक प्रक्रिया है। इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और एक ये भी बात है कि 498A के अंदर वकीलों द्वारा जो लैंग्वेज लिखी जाती है उससे भी गढ़ टूटते हैं कि अब ये तो हुआ ही नहीं था, बड़ा चढ़ा के हो रहा है आदि आदि। तो इन सब को देखते हुए घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम व ये आपका जो इनको घर में वापस बसाने के लिए जो कानून बना हुआ है, जो आपको कॉम्पनसेशन दिलाता है, यानी अगर आपको भत्ता जो रोजगार जो भत्ते के रूप में मिलता है आपको, वो एक नया कानून है, उस कानून के बारे में जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। एसपी शरद कविराज ने नोहर के पास शराबी पति से निजात पाने के लिए 3 बच्चों को डिग्गी में फेंकने और आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नशा सबसे घातक है, इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। 3 बच्चों को मां ने पानी में डाल दिया और खुद मरने से बच गई, सुसाइड नहीं कर पाई, उसको बचा लिया गया। तो उसमें जो बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जब उसका पति उसको शराब की वजह से प्रताड़ित करता रहता था, घरेलू हिंसा थी, और घटना जो हुई जिस रात को भी उससे पहले भी उसको उसी रात उसको शराब पी के पीता था, तो एक्सट्रीम स्टेप लिया उसने। और लड़की के पिता मेरे से मिले थे तो वो कह रहे थे कि जब वो लड़की खुद ही कहती थी कि जब मैं पियर कैसे आऊँ, समाज में बदनामी हो जाएगी। अब आप देखें कैसा हमने समाज बना दिया जिसके अंदर लड़की अपने आप को इतना ऐसे परिस्थितियों में अपने आप को पा रही है जिसके अंदर कि वो मरना पसंद कर रही है या अपने बच्चों को मार रही है और उसके बाद में सुसाइड के अटेम्प्ट कर रही है, लेकिन वो उससे रिलीफ कैसे मिले उस एनवायरनमेंट से, उसके बारे में उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज़ वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स,
वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ गांव में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छे क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि, किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नर्सिंग फ्यूचर सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध है। डीजे वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैल्विनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहां पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजे वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LED उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए किसान सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं और सरकार जैसे इस मसले पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा टकराव के आसार तेज हो गए हैं। इस दौरान किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जब बात नहीं बनी तो 16 किसान अनशन पर बैठ गए। आपदा पीड़ित किसानों का संघर्ष तेज हो गया है। जो मुआवजा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, कुछ ऐसे ही नारे लगे कलेक्ट्रेट के सामने। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। प्राकृतिक आपदा के बाद बर्बाद हुए किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वे प्रति बीघा के हिसाब से 20,000 रुपये मांग रहे हैं, जबकि सरकार कुछ भी देने के लिए जैसे तैयार नहीं। यहां तक कि सरकार को सांत्वना के दो शब्द बोलने से परहेज है। संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र सिंह रोमाना के मुताबिक अनशन पर बैठने वालों में प्रभुदयाल पचार, रामेश्वर चावरिया, रजीराम, अजायब सिंह, नक्षत्र सिंह, जनरल सिंह, सेवा सिंह, नाजम सिंह, कुलदीप सिंह, मदनलाल आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अब भी सुनवाई नहीं की तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। आपदा पीड़ित किसान संघर्ष समिति ने फिर आज 23 तारीख को यहाँ शुक्रवार को नियत समय के हिसाब से अपने जो पहले कार्यक्रम बना हुआ था कि आज धरना प्रदर्शन होगा, तो उसी कड़ी को लेके आज यहाँ किसान मुआवजे के लिए यहाँ आए हुए हैं। किसानों को जब तक ये 20,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा नहीं मिलता, ओलावृष्टि जो नुकसान हुआ 2 बार फिर हो गया, उसके बावजूद भी हमारी सरकार आज तक नहीं चेती है, तो सरकार से हमारा यही है कि जल्द से हमें किसानों को 20,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा दे। जो ट्यूबवेल से खेती किया उनको और जो इंजन से खेती की उनके लिए भी कुछ ध्यान करे। उन्होंने डीजल जला के अपनी जो खेती तैयार की थी वो भी उनकी नष्ट होगी, उनको भी कुछ ना कुछ सरकार दे। जब तक ये सरकार हमारी नहीं सुनाई करेगी हम इसी तरह आंदोलन को जारी रखेंगे, ये हमारा वादा। जब तक हम सरकार हमें मुआवजा दे हम इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे, जल्द से जल्द हमारा मुआवजा दे तो ये समस्या का समाधान हो। जुआ, सट्टा और नशे के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज के प्रयासों का असर दिखने लगा है। जंक्शन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सट्टा एक सामाजिक बुराई है, इसे सिर्फ कानूनी तरीके से रोकना शायद संभव नहीं। जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया है, जन जागरण अभियान। साथ ही पुलिस कर्मियों को पाबंद किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में सट्टा का अवैध धंधा बंद करवाएं। जंक्शन पुलिस ने गांव रोरावाली में एक मकान पर छापा मारकर 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इनमें साहिल, नरेश, प्रमोद और ललित कुमार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी क्रिकेट का बुक्की चला रहे थे,
एएसआई गिरधारी लाल ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल, एक लैपटॉप, चार चार्जर और एक टीवी सहित लाखों के लेन देन का रजिस्टर बरामद किया गया है। जरिए मुखबिर इतला मिली कि लोडावाड़ी में प्रमोद कुमार के घर में उसकी सट्टा चल रही है, पांच छह चार आदमी गिरफ्तार किए, साहिल, नरेश कुमार, प्रमोद कुमार, ललित कुमार, उनके कब्जे से 1250 रुपये नकद है और 11 मोबाइल, एक लैपटॉप है और एक टीवी, चार्जर, कीबोर्ड, रिमोट वगैरह और हिसाब किताब है। इनके पास 13,77,795 रुपये का एक हिसाब किताब है। अभी जाँच की जा रही है उनकी किन से तार जुड़ी है, क्या 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 मामला। आज़ादी के वर्षों बाद भी खुले में शौचालय के लिए जाना ग्रामीणों की मजबूरी हो सकती है, अब ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाने का निर्णय किया है। जिला परिषद की शिक्षा स्थायी समिति, सामाजिक सेवा एवं न्याय समिति और निर्मल भारत अभियान की बैठक में कई निर्णय किए गए। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करवाए गए कार्यों, विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण एवं उपयोग, वातावरण निर्माण आदि पर चर्चा हुई। नोहर के चक 2 आरपीएम के विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के मुद्दे पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने सहायक अभियंता सर्व शिक्षा अभियान को मौका निरीक्षण कर एक सप्ताह में छात्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निर्मल भारत अभियान की बैठक में गाँव में लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित कर निर्माण करवाने के लिए प्रति पंचायत 100 शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति, बीपीएल, महिला, मुखिया वाले परिवार, भूमिहीन या कम भूमि वाले परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण करने पर राज्य सरकार की तरफ से 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए प्रस्तावित पंचायतों के कुशल कारीगरों को प्रत्येक शौचालय निर्माण पर 2140 रुपये तथा अगर कोई कारीगर ग्रामीण इंजीनियर कम प्रेरक बनकर कार्य करता है और 6 माह में 100 परिवारों को प्रेरित कर शौचालय निर्माण करवाता है तो उसे मजदूरी के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी। बैठक में जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट, जिला परिषद सदस्य रामकृष्ण भाकर, सरस्वती देवी, रवनीत कौर, कृष्ण कुमार, राजेंद्र सिहाग तथा आत्मा प्रभारी के अधिकारी आदि भी मौजूद थे। और एक वक्त है हेडलाइंस का। ग्रीष्मकालीन अवकाश को उपयोगी और मनोरंजक बनाने के उद्देश्य से वीएम पब्लिक स्कूल में अभिरुचि शिविर लगाया जा रहा है। 7 दिवसीय इस शिविर का संचालन गंगानगर के प्रशिक्षित अध्यापक नीरज भाटी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन स्थित वीएम पब्लिक स्कूल में 7 दिवसीय अभिरुचि शिविर लगाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को उपयोगी व मनोरंजक बनाना है। शिविर के दौरान बच्चों ने म्यूरल आर्ट, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, पेपर बैग आदि चीज़ों को बनाना सीखा।
बहुत ही कम समय व कम लागत में बच्चों द्वारा सुंदर व आकर्षक वस्तुओं का निर्माण किया गया। आज विद्यालय प्रांगण में बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। संस्था अध्यक्ष बालकृष्ण गोलियान, उपाध्यक्ष सतीश छाबड़ा, सचिव संजय जैन, उप सचिव वीरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीएल सहू, रीटा सैनी व डायरेक्टर निर्मला नागपाल ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बच्चों के प्रयासों की सराहना की। स्कूल के प्राचार्य आर के गुप्ता ने कहा कि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए इस तरह के आयोजन भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। और ये एक बिल्कुल नई और इनोवेटिव चीज़ है जो हम देख रहे हैं। इसमें बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव चीज़ें आगे आई हैं, जिससे कि जैसे मैंने ये बैम्बू क्राफ्ट तैयार किया है, एक हार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक चिपकाई और इस साइड मैंने बैम्बू स्टिक चिपकाई, उनके बाद इन सबको कलर करके और इसके ऊपर ये हाफ कट जो मटकियाँ हैं उन्हें चिपका के और कलर किया पूरे को। कलर करने के बाद इसके ऊपर जितनी भी इनोवेशन आप करना चाहें, मैंने इनमें फ्लावर और रिबन्स लगाए और लास्ट फिनिशिंग टच के लिए यहाँ पे छोटे छोटे गमले चिपकाए। हमारा जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एक नई चीज़ थी और हमें ये सब करने में बहुत मज़ा आया। इसे तैयार करने में हमें सिर्फ 2 दिन लगे हैं, क्योंकि जिसमें मैंने म्यूरल आर्ट बनाना सीखा उसमें मैंने अपने पुराने कस्टम्स को शो किया है। पहले मैंने एक 12x12 का हार्डबोर्ड लिया जिसमें मैंने बुकरम को पेस्ट किया, उसके बाद मैंने शिल्पकार लिया और उससे लीव्स और टहनियाँ बना के मैंने उनको पेस्ट किया। देन मैंने इस पर ये डिज़ाइंस बनाए जो कि हमारे ट्राइबल आर्ट को शो करते हैं, एंड देन आई डेकोरेटेड ऑल द आर्ट्स। थैंक यू। आई टुक 2 डेज। एम पब्लिक स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के एक 7 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने म्यूरल आर्ट, बैम्बू क्राफ्ट, ग्लास पेंटिंग, उसी तरीके से फैब्रिक पेंटिंग, पेपर बैग आदि से बड़ी उपयोगी चीज़ें बनाई और हमारी मैनेजमेंट और बच्चों के अभिभावक सभी बड़े खुश हुए हैं और हम कह सकते हैं कि बच्चों के समय का सदुपयोग हुआ है। शहर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। टाउन क्षेत्र में करीब 2 माह पहले बनी सड़कों की स्थिति भी काफी चिंताजनक है। आलम यह है कि गंदे पानी की निकासी तक प्रभावित हो रही है। ऐसे में नागरिकों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर हंगामा किया। टाउन स्थित राजकीय NMPG कॉलेज के पास कुछ समय पहले नगर परिषद द्वारा बनाई गई सड़क को जलदाय विभाग ने पेयजल पाइप डालने के वक्त क्षतिग्रस्त कर दिया था। यही नहीं, इस सड़क के किनारे गंदे पानी व बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला भी नियमित सफाई के अभाव में बंद हो चुका है। इस दौरान बिजली महकमे ने ट्रांसफार्मर व पोल लगाकर बिल्कुल ही इसे बंद कर दिया, जिससे वार्ड नंबर 26 व 27 के नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर नाले की सफाई करवाकर उसे खुलवाने की मांग की, ताकि लोगों को समस्या से निजात मिल सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।